नमस्कार खम्मागढ़ी, मैं हूँ अदिति। और आज के लिए यही कहना सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, क्योंकि मैं आ गई हूँ जोधपुर शहर के कुछ 35 किलोमीटर दूर एक मथानिया गांव में। और मथानिया का नाम सुनते ही आपको याद आ गई होगी बढ़िया सारी लाल मिर्ची। सो हाँ, ये वही जगह है जो उस मिर्ची का जहाँ से वो उगती है। और मैं जो आई हूँ आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह जने से मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते तो बहुत जने हैं, लेकिन उसकी सच्चाई हमें एक्चुअली पता नहीं होती। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज भी अपनी ज़मीन से, अपनी धरोहर से जुड़े हुए हैं, और वो बहुत ही सिंसियरली कई कई एकड़ों में आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। सो बोलते तो बहुत लोग हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, चीज़ों के दाम दोगुने चौगुने बढ़ जाते हैं ऑर्गेनिक का नाम लेते ही, लेकिन हमें उनके पीछे की सच्चाई नहीं पता होती। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस धरोहर को की रक्षा कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही आज एक शख्सियत से मैं मिलने के लिए आई हूँ, उनका नाम है रतनलाल जी डागा। उनके पास में कई एकड़ की ज़मीन है और वो यहाँ पर प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बहुत सारे चैलेंजिंग काम करे हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, विच डिसाइड्स द कॉस्ट एंड प्राइसिंग फॉर द एग्रीकल्चरल फार्मर्स एंड एवरीबडी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन रतनलाल जी डागा। नमस्कार। नमस्कार, आपसे मिलने का मुझे आज ये अवसर मिला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि मैं भी थोड़ी फार्मिंग से, गार्डनिंग से, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, तो आपके बारे में मैं आपसे ही थोड़ा और जानना चाहूँगी। ऐसा है, मेरे बारे में जानना है या मेरे खेती के बारे में जानना है? दोनों चीज़ों के बारे में जानना है। तो मैं मतलब कह रहे हैं कि ऐसे परिवार से हूँ जो जी। परिवार हम कृषक परिवार ही है जी। मेरे दादाजी खेती करते थे जी। और ये उस समय जमाने की बात है जिस समय वो लोग भाग कोई पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे जी जी। पर मेरे दादाजी का ये था कि सब पढ़ लिख कर खेती करो। देखिए कितना। और उन्होंने अपने सभी लड़कों को ग्रेजुएट बनाया। अच्छा। और ग्रेजुएट बनाने के बाद में सभी को खेती करवाया। और हम तीसरी पीढ़ी जो हमारी मेरी है और उनको भी हमने पढ़ाई करके और खेती में डाला। तो मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया था, PUC जिस समय होती थी जी। हो गया था हाँ। और मैं बहुत खुशी घर पे आके बताने लगा हाँ। कि भाई मेरा ये एडमिशन हो गया है मेडिकल में हाँ। तो उस समय मेरे दादाजी ने कहा भाई मैं हमारे तेरे से हमें बहुत अपेक्षा है और ये अपेक्षा ये है कि तू जो मेडिकल करके आएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तू खुद तो पेट भर लेगा पर हमारी खेती का क्या होगा, खेती कौन करेगा। और मैं चाहता हूँ कि तू खेती की पढ़ाई कर और खुद अपनी खेती सुधार और अपने गांव की भी खेती सुधार जी। तो उसके बाद में मैं तुरंत मेडिकल छोड़ दिया आपने, मेडिकल का छोड़कर एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया जी। BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में मैं सीधा यहाँ खेती पे लगा हाँ। और हमारा जैसा मैंने बताया ना, परिवार का ये सिद्धांत था कि पढ़ाई छोड़ने के बाद हाँ। अपने से बड़े के साथ में दो साल तक काम करो प्रैक्टिकल। अच्छा। जी जी जी। और प्रैक्टिकल करने के बाद में फिर अपना स्वतंत्र फार्म लो हाँ। तो मैंने भी दो साल पिताजी के साथ में काम किया जी। और फिर यहाँ मैंने मतलब ये जो जहाँ अपन खड़े हैं जी, यहाँ मैंने 24 एकड़ से प्रारंभ किया खेती का काम। और ये बंजर जमीन थी जिसको यहाँ के 11 किलोमीटर में भी हाँ। लोग यहाँ कोई रहना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। और उस समय मैंने इस जमीन के पीछे छुपी हुई जो चीज देखी हाँ। कि ये बहुत उपजाऊ जमीन हो सकती है जी। और ये सिर्फ ऊपर जो पहाड़ी इलाका है इधर पास में हाँ। तो वो पत्थर आरा के पूरे खेत पे हो गए हैं, ये ऊपर ऊपर ही है, बाकी जमीन में नीचे कहीं पत्थर नहीं है। और विशेष बात बताऊं, ये ड्रेनेज सिस्टम इस जमीन का जो सबसे बढ़िया खेती मिट्टी हाँ। का मानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जिसका बढ़िया है वहाँ फसल कोई भी फसल ले सकते हैं हम। अच्छा। और यहाँ 10 फुट नीचे इसमें हाँ। पत्थर है हार्ड। अच्छा। हार्ड स्टोन, इसलिए हाँ। यहाँ की जमीन बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये जमीन पसंद आई जी। और मैंने यहाँ लिया और सारा काम बैंक से करके हाँ। और यहाँ अपना इंडिपेंडेंट फार्म तैयार किया। अरे वाह। और उस समय ये हरित क्रांति की एक ललक थी हाँ, और हरित क्रांति के कारण मेरे को भी, मैंने भी सारे रसायन और कीटनाशक हाँ, फंफूदनाशक ये काम लेते हुए हाँ,
हाँ। काम शुरू किया पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पर। इस क्षेत्र की जो मिर्ची की और प्याज की फसल जो थी, हाँ। मैंने शुरू में प्याज और लहसुन ये फसल ली जी। और बहुत अच्छी फसल ली। उसके बाद में मैंने ये कहा ये बहुत ज्यादा कॉस्टली, मतलब बहुत हाँ। ज्यादा पैसे लगते हैं इसमें। अच्छा। और वापस रिस्क बहुत रहती है। तो ठीक है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, ओके। फिर अगर वो उतने पे प्राइस पे सेल ना हो इन द मार्केट, मेरा ये सिद्धांत था कि कम से कम लागत लगाए फसल में जी, और हम मुनाफा ज्यादा लें जी। हमारे इस क्षेत्र का ये था कि भाई हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, अब उस प्रोडक्शन में कितनी भी लागत लगे, मतलब कॉस्ट कितनी भी लगे, उसको कोई मायना नहीं। अच्छा। और मैं इससे बिल्कुल उल्टी विचारधारा से चलने लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आनी चाहिए, कम आनी और प्रोडक्शन प्रॉफिट ज्यादा रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा उद्देश्य था। ये मेरे ख्याल से पढ़ाई के साथ में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव कॉलेज में स्टैटिक्स पढ़ाते हैं ना, तो उस स्टैटिक्स को मैंने यहाँ काम लिया जी। और इस तरह से मैंने ये अपनी पढ़ाई का काम लेते हुए यहाँ हाँ। मैंने अपनी जमीन को तैयार किया। तो पहले तो आपने उगाई मिर्ची और आपने प्याज उगाई? पहले मैंने मिर्ची, प्याज, लहसुन, गेहूँ, यही फसल ली थी पहले। अच्छा, ठीक। और उसके बाद में मैंने ये देखा कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्या फसल ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान बीइंग जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा कम है, तो कम है और पानी, मैंने कहा आगे जाके जो उस समय पानी खूब था, पर हम उस समय मेरे को ये लगता था कि आगे जाके हमको ये पानी से तकलीफ आने वाली है, इसलिए कम से कम पानी। तो मैंने उस समय जीरे की फसल, रायडे की फसल। अच्छा। और इन दोनों का इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर किया, इंट्रोड्यूस किया और अपने फार्म पे लिया जी। और उस समय रायडे की फसल नई नई थी, तो गवर्नमेंट से मैंने ब्रीडेड सीड यहाँ तैयार किया। अच्छा। जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में ही तैयार होता है। और मैंने ब्रीडेड सीड रायडे का, मूंग का, तिल का, इन सब के ब्रीडेड सीड तैयार किए। अच्छा। और एक लाल बहादुर शास्त्री के नाम से गेहूं आते थे, उसका फाउंडेशन सीड तैयार किया। अच्छा। और इस तरह से मैंने बीज तैयार करके गवर्नमेंट को भी दिए और इस एरिया की एक नई फसल दी। नई फसल दी। और मेरे का भी बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब रहना लगा और अच्छा रहा। और रसायन खूब काम लेता था। उन रसायन को काम लेते लेते मेरे भी वही हालत हो गई जो उनकी पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं अपने पिताजी को कहता था, पर मेरे खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगी फार्म की जी। तो ये मेरे, एक बार मैं किसान संघ में किसानों के बीच में बहुत पूरे इंडिया लेवल में काम करता था। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में जाने से ये मेरे को पता पड़ा वहाँ के कि रासायनिक खेती के परिणाम लंबे समय अच्छे नहीं रहने वाले हैं, और हमको ऑर्गेनिक फॉर्म में आना पड़ेगा जी। और ऑर्गेनिक फार्म में आने के लिए उन्होंने पूरा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और किस तरह से वनस्पतियों काम लेते हैं करते हैं, सारा उन्होंने सिखाया था। और वहाँ से आने के बाद मैंने भी यही सोचा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है फार्म का है, और मैंने तुरंत ऑर्गेनिक फार्मिंग 2000 में चालू कर दी। अच्छा। सन 2000 में। हाँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी खेती जीरो पे आ गई। ओहो। दो साल पे मेरी खेती जीरो पे आ गई। हाँ। और मेरे को हालत हो गई मैं खुद का अपना खर्चा कैसे निकालूंगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैविक खेती के लिए मैं अलग अलग किसानों से मिला, अलग वैज्ञानिकों से मिला, मैंने कहा मेरे यहाँ खत्म क्यों हुई। तब एक बात उन्होंने बहुत अच्छी समझाई कि जिस तरह से मनुष्य, मानव अफीम खाता है और उसको अफीम एकदम छुड़वा दिया जाए तो या तो मर जाएगा या बीमार पड़ जाएगा। उसको ताकत की जमीन जो देते हुए आप आगे बढ़ो, और वही फिर मैंने फार्मूला अपने जमीन पे उतारा और रसायन को 3 साल में बाहर निकाला और जीवांश खाद की, और जीवांश की मात्रा बढ़ाता गया। अच्छा। और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते ये पहले मैंने खेती प्रारंभ की। 2008 के बाद मेरी खेती अच्छी होने लग गई वापस, और टोटली ऑर्गेनिक, बराबर पूरी ऑर्गेनिक फार्म, मैंने कहीं पे भी नहीं। हाँ। और उस ऑर्गेनिक करने के बाद में जो अभी आपको मैं फार्म दिखाऊंगा उसमें ये है, जितने संसाधन हम खुद अपने फार्म पे डेवलप करें और काम लें, उसका ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आधे से कम हो जाएगा। हाँ। जबकि अभी ये धारणा बनी हुई है लोगों की कि हमको जैविक के करते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाता है और पैसे नहीं मिलते हैं, भाव नहीं। अच्छा। मिलते हैं। हाँ। तो ये भाव जब मिलेंगे आपको, पर संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा 3-4 साल 5 साल का पीरियड आपको देखना पड़ेगा। और अब तो बहुत अच्छी जैविक खेती होने लग गई है। कारण क्या है कि खूब लोग बाग इसके अंदर आने लग गए हैं, मिल गई है लोगों और को पता हमारी चल गया जो किसान की आदत है, सारा बाजार पे हम डिपेंड रहते हैं। हाँ।
तो ये बाजार पे डिपेंड रहने के लिए वो ऑर्गेनिक खेती पे नहीं आ रहे थे, बाजार में मिलते नहीं थे। अब धीरे धीरे बाजार में भी चीजें मिलने लग गई है, परंतु बाजार में अभी भी जो जितना भी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, उनमें वो कुछ न कुछ मिलावट रासायनिक की कर ही देते हैं। इसीलिए मेरा यह है कि जैसे हम पूरा संसाधन करें और थोड़ा सा प्लानिंग बनाकर यदि हम काम करें, जैसे अभी अब आप यहाँ देख रहे हैं मेरे फार्म पर कि यहाँ मैंने ये जैसे फार्म तैयार किया है उसमें एक चीज पे डिपेंड नहीं रहा जी। जैसे पक्के पेड़ भी लगाए और मसाले की फसल भी ली जी, और दलहन की भी ली, तिलहन की फसल भी लेता हूँ और खाद्यान्न की फसल भी लेता हूँ। इस मतलब एक पूरे परिवार के लिए जितने भी खाद्य वस्तु चाहिए, मतलब कि आपने बोला कि आप फ्रूट भी लेते हैं। हाँ, सारी चीजें, मसाले, फ्रूट, जैसे जीरा हो गया, वो मसाले हो गए, खाद्यान्न हो गया, जैसे गेहूँ है, बाजरी है, मक्की है, ठीक है, इसी तरह से तिलन है, मूंगफली है, अच्छा, तिल है, ये रायडा है, सरसों है, अच्छा, ये तिलन है, ठीक है, जैसे दलहन है, गवार है, चौला है, मूंग है, मोठ है, ये सब दलहन में ले रहा हूँ। Okay. और मसाले जैसे जीरा है, मिर्ची है, धनिया है, मेथी है, ये क्या नाम है, किरायता है, अजवाइन है, ये सब ये इस फार्म पे 40 के करीब चीजें लेता हूँ मैं, 40 के करीब चीजें लेता हूँ, 40 से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी जी। कि जो बाउंड्री वाल पे जिस तरह से जो लेता हूँ ना, तो जैसे वो अचार के काम आती है, जैसे गोंदे है, कैरुंदा है, सांगरी है, कैर है, ये सब बाउंड्री वाल से मिलते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी पेड़ जो यहाँ लगा हुआ है वो अपना खर्चा निकाल के मेरे को पैसा दे रहा है। अरे वाह, ये एक विशेष इस फार्म में आपको मिलेगी। मैं इस बात में एक बताना चाहूंगी कि मेरे को अभी केरला के बारे में पता पड़ा था कि केरला में ऐसा कोई ना मोड ऑफ वो नहीं है जहाँ से कि लोग पैसा कमा सकें, केवल एक टूरिज्म है, उसके अलावा सबके घरों में मसालों के पेड़ लगे हुए हैं और वही पेड़ जो है उन्हें इतना पैसा दे देते हैं उग करके कि उनका पूरा काम चल जाता है। ये जो आपने चीज कही कि जो पेड़ आपके इस खेत पे लग रहे हैं वो हर आपको पैसा दे पाता है, ये मुझे राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा सा जान के बड़ी खुशी हुई। ये हमारी जो हम जो ये जो ऑर्गेनिक जो खेती करते है ना, इसका सबसे पहला नियम यही है, प्रकृति के अनुसार चले जी। अब राजस्थान में जैसे गर्म हवा चलती है, यहाँ मिट्टी की धूल चलती है, यहाँ लाइट सॉइल है, यहाँ मतलब, और हम यहाँ मतलब कहते हैं हम यहाँ केसर करेंगे और हम सेव करेंगे और वो करेंगे, तो वो तो होएगा, वो नहीं हो सकता बिल्कुल। तो जितना प्रगति के अनुसार करेंगे तो उसमें खर्चा कम लगेगा जी। और उसी हिसाब से मैंने जितने भी जो फल पौधे हैं वो सारे, जैसे आंवला है, ये बेल है, ये नींबू है, ये अनार है, ये पपीता है, इसमें सीताफल है, और यहाँ का जो मतलब कह रहे ये बेर है, ये सारे फल पौधों के पौधे लगा रखे हैं, ये आपने यहाँ पर लगाए। अब ये दूसरी बात, और इस पेड़ पौधों के लगाने के बाद में हम जो यहाँ मेरे राजस्थान में मेरे भाई ने और भी कहने लगा रखा, और उनका ये खाली पेड़ों की खेती कर रहे हैं। अच्छा, केवल अब इसमें दो बात बता दूं, खाली पेड़ों की खेती करने से जैसे एक पेड़ की दूरी दूसरे पेड़ की दूरी से 25 फुट, जैसा कि आप देख रहे हैं, 25 फुट की 20 फुट की दूरी होती है, और बीच में वो जमीन गर्म होती है, और जब हम दिन में पानी पिलाते हैं जितना गर्म होता है तो उससे वो गर्म फंगस डेवलप होता है। अच्छा, तो ये हमने इसीलिए किया, इसमें बीच बीच में फसल लेते हैं। अच्छा, तो इधर अगर हम लोग देखें इसमें बीच बीच में फसल लेते हैं। अच्छा, जैसे अभी जहाँ यहाँ पहले मूंग था, हाँ, और अब इसमें चिया की फसल बीच में लेंगे हम, चिया जिसको बोलते हैं प्रोटीन के लिए आता काम, चिया सीड जो आते हैं, हाँ, चिया जो प्रोटीन सीड आता है वो इसमें हम, इसके जो आपके लाइना दिख रही है, चार लाइन दिख रही है जी, इसके बीच बीच में लगेंगे, ये पेड़ को भी छाया देगी, ग्रीनरी देगी, और यहाँ की नमी को मेंटेन रखेगी पूरे क्षेत्र की, इसलिए ये पेड़ का भी प्रोडक्शन अच्छा होगा और हमको साइड में वो मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ देख रही हूँ तो ये तो मुझे पड़े हुए दिख रहे हैं, यहाँ शायद नींबू है, अंदर जा सकते हैं अपन जी। ठीक है, तो ये जैसे अभी आप नींबू देख रहे हैं,
ये जो ड्रिप लगी हुई है, एक डिपर वहाँ, एक डिपर वहाँ, चार डिपर लगाते हैं। हाँ। और मैंने यहाँ दो लेटर लगा रखी है। हाँ। तो इस तरह से हम इसमें बीच में फसल लेने के लिए यहाँ, हाँ, हम जैसे अलग अलग जैसे मसाला की जो फसलें हैं, हाँ, और उनको फसल चक्र 3 साल में वापस उसी जगह पे वो फसल नहीं आए बदलते हुए लेते हैं जी। ये सबसे बड़ी बात। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि बदलते रहना चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल मेंटेन रहता है। ऑर्गेनिक खेती का सबसे बड़ा जो नियम है, हाँ, एक तो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का रसायन नहीं आना चाहिए, हाँ, जिससे मिट्टी के जो जीवाणु है वो पनपते रहेंगे, केंचुए पनपते रहेंगे, हाँ, और वही काम करते हैं ऑर्गेनिक खेती के अंदर। एक और दूसरा जो ऊपर रसायन काम में नहीं लेने का कारण यही है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि पक्षी वगैरह यहाँ खूब मिलेंगे आपको, हाँ, और यहाँ कोई किसी भी तरह का रसायन काम नहीं लेने के कारण, हाँ, यहाँ तितलियाँ हैं या कुछ, हाँ, भी है, जैसे ये भौरे हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये बहुत ज्यादा होगी मात्रा में, और वो मित्र कीट कहलाते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं, रतन लाल जी डागा हैं हमारे साथ में, और वो हमें बहुत सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बेसिक्स हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो टेलिंग अस कि कैसे यू नो पिछले 20 साल में 40 साल में कैसे इन ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कैसे हम लोग शिफ्ट करे हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्जेशन इन आर नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गार्डनिंग एंड फॉर एग्रीकल्चर। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून एंड आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स ऑब्वियसली। So I'll see you very soon. Bye-bye.